वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 3 पर संख्याएं 7 से लेकर 12 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमेया, यर्दन के उस पार और तीरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहता है। वह उस प्रमुख व्यक्ति से मिलने के लिए धरती आसमान सब लांग जाता है, अर्थात हर एक मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। ईश्वर मेरी प्रार्थना एक न एक दिन जरूर सुनेगा एवं पूरा करेगा। आज के सुसमाचार में हम कुछ ऐसा ही देखते एवं सुनते हैं। दूर दूर के नगरों से, जैसे यहूदिया, यरूशलेम, इदुमेया, यर्दन, तीरुस एवं सिदोन के आसपास से लोग जो बीमार, लाचार व भूत प्रेत से ग्रसित थे, वे सब के सब प्रभु येसु को ढूंढते हुए आते हैं एवं प्रभु येसु उनके हर एक बीमारियों एवं अपदूत की शक्तियों से मुक्त कर देते हैं। आज के समाज में देखा जाए तो लोग उस व्यक्ति के पास आते हैं जो मिलनसार हो, प्रेममयी हो, मधुर वाणी बोलता हो एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता हो, दूसरों के लिए पर्याप्त समय देता हो। ऐसे व्यक्तियों के पास लोग बिना बुलाए एकत्र हो जाते हैं, उनके बातों को प्रेम से सुनते हैं। आज अपने आप से पूछना है कि हमारे पास किस प्रकार के लोग आते हैं, वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उनके प्रति हमारा क्या रवैया है, क्या हमारे अंदर ईश्वरत्व झलकता है कि नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए हम लोगों को किस तरह से मदद करते हैं। आज अपने आप से पूछना है और प्रभु येसु से सीख लेनी है, क्योंकि प्रभु येसु हर एक समाज व व्यक्ति के लिए एक उत्तम उदाहरण है। जिस तरह से प्रभु येसु दया के भंडार हैं, करुणा के सागर हैं, ठीक हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करें। इसमें ही हमारा, लोगों का, समाज का एवं देश का कल्याण है। जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो आइए हम प्रभु येसु के सिखाए एवं दिखाए हुए रास्तों पर चलते हुए उनका अनुसरण करें। आमीन।